हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हजरत जी, मैं आपकी इतनी रिजवाना बोल रही हूँ। अल्लाह ताला आपके बुलंद दर्जात करे। हजरत जी, अब मैं अपने लिए पूछने लगी हूँ कि मेरे को 2 महीने हो गए हैं। मैं इतना, मतलब जब भी कोई पढ़ाई करती हूँ, जब भी नमाज तक पढ़ती हूँ, तो इतनी वाकियाँ आती हैं, इतनी वाकियाँ आती हैं कि मेरा सर जो है ना, वो दुखना शुरू हो गया हुआ है। जबड़े दुखते हैं, बच्चे गर्दन दुखती है, पट्ठे दुखते हैं। बस कलाम कोई भी पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला का कुरान शरीफ पढ़ने बैठी, नमाज पढ़ने बैठी, अल्लाह अकबर बोलती, इतनी वाकियाँ आती हैं, इतनी वाकियाँ आती हैं कि पता नहीं क्या बात है। ये हो गई है, ये 1-2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर एकदम से पत्थर दिमाग, हर चीज जो है ना, दर्द करने लग जाती है। टांगों में दर्द है, पाँव में सूजन हो गई है। तो ये जब भी पढ़ती हूँ तो जी, बहुत शुक्रिया जी। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हाँ, उसके लिए आप नोट कर लें। लगता कुछ जादू करने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर ना, सेहर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपकी कैफियत हो रही है। आप सुबह में 7 काली मिर्चें ले लिया करें साबुत, और उनके ऊपर जो है वो तीसरा कलमा 3 मरतबा पढ़ के दम करें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें और 3 मरतबा पढ़ के दम करें और अपने पास महफूज रखें। और उसी वक्त 1 काली मिर्च दांतों में लेकर चबा लें, चबा के उसको खा लिया करें। जो पानी वानी उसके ऊपर पीना नहीं है, बस उसको ऐसे चबा लें, कड़वाहट फील हो। तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ वक्फ़ों पर जो है पूरे दिन के अंदर 7 काली मिर्ची चबा लें, और ये 7 दिन आपने पाबंदी से करना है। इंशाल्लाह जादू का असर भी टूट जाएगा और आपकी कैफियत भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।